जिम्मेदार नेता है। शहर में यह चर्चा है कि कदीर मौलाना कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और दो दिन पहले आपने बयान जारी किया कि शहर के पान टपरियां सभी खोल दो, और ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत सारे इलाके में हमने दौरा किया कि वहां पर पान टपरियां बंद है, तो इसकी वजह क्या है? बंद वाले को तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिनको चालू करने के लिए मैंने कहा वो तो चालू हो गए। अब जो बंद वाले आपका काम है उनको जाके बोलना कि भाई दुकानें खोलो। कदीर मौलाना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष एक जिम्मेदार शख्स है। धज्जियां उड़ाने की जो तुमने बात करे वो बेवकूफ़ किस्म के जो मीडिया के जो कायदीन हैं उनकी धज्जियां उड़ाना चाहिए, क्योंकि गलत बयानी कर रहे हैं, साफी होकर भी नालायक पने की बातें कर रहे हैं, जानते कुछ नहीं है, और किसी एक पार्टी की दलाली करके मीडिया के काम करने वाले लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अपनी औकात के अंदर सही काम करो। सहाफत का जो काम है गलत बयानी का नहीं होता है, सही जवाब देना चाहिए। तुमको अगर कोई किस्म की प्रॉब्लम है तो हमसे पूछना चाहिए ना। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके टपरी को खुला दूँ, ये जब मैं बयान दे रहा हूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे बारे में मांग करो ना तुम कि इनके ऊपर गुना दाखिल करो अगर ये गलत बयान ही कर रहे हैं। मेरे को सवाल पूछ रहे हैं, मेरे को जवाब दे रहे हैं। इस तरह की मीडिया में काम करने वाले लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि जरा चमचागिरी वाली सहाफत मत करो। सहाफत का मतलब होता है बहुत पाकीज़ा, जो है वो उस पर बात करना। कोई तुम्हारे मुदीर आला को प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछते कि भाई आपने जवाब दिए ये जिम्मेदाराना है या गैर जिम्मेदाराना है, तो मैं उनको जवाब देता था। अभी अवकात मालूमात नहीं है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ कर आए हो और मेरे से सवाल कर रही है। सवाल एडमिनिस्ट्रेशन में पूछो कि कदीर मौलाना ने जो बयान दिए है ये सही है कि गलत है। अगर गलत है तो उसमें कार्रवाई करो। जब मैं एक जिम्मेदार आदमी बोल रहा हूँ खोलो आप दुकानें तो लोगों के लिए, लेकिन कुछ पार्टी जो जिनकी जमीन पैरों के नीचे से निकल गई वो परेशानी में बुखलाट में बोलते घूम रही है कि टपरियां बंद करो। तो इस तरह की कुचकट राजनीति समाज के साथ हम नहीं करते। ये हर समाज का आदमी आज बेरोजगार है, 4 महीने से टपरी वाले परेशान है। हमने कहा एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उस बात को हमने छुड़ा के लिया कि भाई ठीक है टपरियाँ खोलो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, मास्क लगाओ, और अपने अपने दुकानदारों ने टेस्ट करना चाहिए। ये भी हमने उनको कहा कि भाई इस गाइडलाइन के साथ आप अपनी टपरी भी चालू रखो और अब ये भी आप काम करवाइए, कोई परेशानी नहीं। मेरी बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात हुई है, बात होने के बाद जिम्मेदाराना बयान मैंने जारी किया हूँ। लेकिन कुछ सहाफत के कीड़े जो है वो दलाली और मुखबिरी कर रहे हैं, तो इस तरह से अभी उनको चंद ही दिनों में मालूम हो जाएगा। और उनको बहुत सहाफत का कीड़ा है तो जाके एडमिनिस्ट्रेशन से पूछो ना, आप सहाफत भी जरा ढंग की करो ना, किसी पार्टी की दलाली मत करो, या तो वहां जाके दलाली करो, आप सहाफत छोड़ दो, इस तरीके का अमल मत करो आप। इसलिए मेरा सभी दुकानदार और टपरी वालों से ये बोलना है कि आप बिंदास दुकानें खोलो, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात हुई है। अगर हमारी बात नहीं होती थी तो मीडिया वाले ने और वो जो लोग नहीं की बात कर रहे हैं उन्होंने जाके मांग करना ना, कदीर मौलाना पे गुनाह दाखिल करो, कैसे खोलने लगा है वहाँ, लेटर देने वेने की बातें करके टपरिया को बंद करो ये क्यों बोल रहे हैं वो, जाके मेरे ऊपर गुनाह दाखिल करने की बात करना चाहिए उन्होंने। उनकी लीडरशिप में दम है, जो चिंगले पिंगले जो शहर में फिर रहे हैं उनको बोलो, अपने आखा को बोलो, जाके इन पे गुनाह दाखिल करने की बात करो। मीडिया में क्या बयान जारी करें टपरे मत खोलो करके, अभी आदेश आने, आदेश क्या सवाल है? टोटल औरंगाबाद लाख, टोटल औरंगाबाद खुला, टपरे वाले कुछ उन बंद वालों से अलायदा थे क्या? सबका हिस्सा उसी के अंदर में है, इसलिए सबको खोला गया, उनको भी खोला गया, और उसके लिए भी हमने विशेष तौर से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका जवाब दिया और कहा कि खोलो, इसलिए मैंने बयान जारी किया हूँ। अब आप इसमें आपको क्या परेशानी है बोलो, कुछ परेशानी है? रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।